Hello friends, welcome back to my channel, and now we are going to solve question number 1, exercise 10C. What is question? Write each of the following sets in roster form. कैसे लिखेंगे roster form में? First देखिए ये पढ़ेंगे क्या लिखा? The set of 5 numbers, each of which is divisible by 3, ठीक है? हमें वैसे 5 number का set बनाना है जो 3 से divisible रहते हैं, ठीक है? तो पहले roster form में set बनाने के लिए क्या करते हैं? First of all you have to राइट दिस कर्ली ब्रैकेट आपको बनाना है, ठीक है? ओपन कर्ली ब्रैकेट, देन आपको नंबर्स लिखना है जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है? लिखते हैं 3, ठीक है? 3 इज डिविजिबल बाय 3, 6, 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, देन 9, देन 12, देन 15, ठीक है? फिर आपको कर्ली ब्रेस क्लोज करना है, ठीक है? एंड ऑल दिस नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, सारे नंबर्स कॉमा से सेपरेटेड रहेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है? All these numbers are divisible by 3, ठीक है? और ये किस फॉर्म में लिखा है? रोस्टर फॉर्म में लिखा है। Now see the second point, the set of integers between -4 and 4. So we have to write the integers between -4 and 4, ठीक है? इन दोनों के बीच में जो integers आते हैं, उनका हमें set बनाना रोस्टर फॉर्म में। So firstly you have to write the curly braces open, then write the integers between -4 and 4, ठीक है? Integers क्या होते हैं? Integers are नेगेटिव नंबर्स 0 एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है? तो यहां पर देखिए -4 के बाद क्या आता है? -3, ठीक है? देन -2, देन -1, देन 0, देन 1 2 3, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है? इसके आगे नहीं लिखना, ठीक है? इसके पहले नहीं लिखना, हमें क्या करना, -4 और 4 के बीच में जितने इंटीजर्स आते हैं वो लिखना, ठीक है? तो यहां देखिए -4 के बाद क्या आता है? -3, देन -2, -1, ठीक है? फिर 0 आता है, फिर देन 1 2 3, ठीक है? 3 के बाद 4 आता है, ठीक है? 4 नहीं लिखना हमें, क्योंकि यहाँ 4 और -4 के बीच में लिखना है, ठीक है? 4 से पहले का लिखना हमें और -4 के बाद का लिखना, ठीक है? सो दीज आर द इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 4। ये सेट किस में? दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। नाउ सी द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज गिवन? हियर इट इज गिवन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, एंड हियर इट इज, x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड स्कूल, ठीक है? यहाँ पे x क्या है? x लेटर है, ये जो स्कूल वर्ड है, इस वर्ड के लेटर क्या है? x है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है? ये किस फॉर्म में दिया? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्टली यू हैव टू मेक अ कर्ली ब्रेसेस ओपन, देन यू हैव टू राइट each letter of this word in small letters, ठीक है? And don't repeat one letter more than one time, ठीक है? एक letter एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना, ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं S है, ठीक है? पहला letter क्या है? S है, so you write S in small letter, ठीक है? S, then second letter क्या? C है, C, small C, ठीक है? फिर H है, small H, ठीक है? Then O, small O, then L, small L, ठीक है? यहाँ पे देखिए दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है? ये सेट दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हमें लिखना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो देखिए स्कूल जो वर्ड है, इसके लेटर्स का हमें क्या बनाना है? इसके लेटर का हमें सेट बनाना है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर बना दिया, देखिए पहले कर्ली ब्रेसेस ओपन, देन स्मॉल एस, देन स्मॉल सी, देन एच, देन ओ, देन एल, ऑल दिस लेटर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में स्कूल वर्ड के लेटर्स का सेट। Now see here point number 4, what is given? X is the element of this set such that X is an odd natural number between 10 and 20. So we have to make the set of odd natural numbers between 10 and 20 in roster form, ठीक है? So देखिए, first of all आपको अगर roster form लिखना है तो curly braces open करना, ठीक है? अब 10 and 20 के बीच में जितने भी odd natural numbers आते हैं, odd numbers आते हैं उन्हें लिखना, ठीक है? उनका set बनाना। 10 के बाद कौन सा odd number आता है? 11, then comma you have to write 13, then 15, then 17, then 19, ठीक है? 19 के बाद क्या होगा? 20 बनाएंगे, ठीक है? लेकिन हमें क्या लिखना, हमें 10 एंड 20 के बीच में जितना भी ऑड नंबर आता है उसका सेट बनाना, ठीक है? ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं जो 10 एंड 20 के बीच में आते हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है? देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है? देखिए नंबर क्या है, 11, 13, 15, 17 एंड 19, ऑल दिस नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। Now see here fifth point, क्या दिया हुआ? Vowels used in the word America, ठीक है? अमेरिका में जितने vowels used हुए हैं
इनका हम क्या करना है, सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखिए किस फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दिया है और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ठीक है। तो मतलब ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन रोस्टर फॉर्म वी हैव टू मेक द कर्ली ब्रेसेस ओपन, देन इसमें क्या लिखना है हमें, इसके वॉवल्स का क्या बनाना, सेट बनाना, ठीक है। हम एक का वर्ड है, इसमें देखेंगे वॉवल कौन कौन से, ठीक है, ए है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट हियर स्मॉल ए, आपको स्मॉल ए लिखना है, ठीक है। कभी भी सेट बनाते किसी वर्ड के लेटर का तो हमेशा लेटर्स के स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल ए रहेगा, फिर देन कॉमा, देन यहाँ देखिए वॉवल क्या है, यहाँ पर ई है, ठीक है, देन ई, फिर देखिए दूसरा तीसरा वॉवल क्या है, आई है, यहाँ पर स्मॉल आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेट बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म है, द वॉवल्स यूज्ड इन द वर्ड अमेरिका, ठीक है। अमेरिका वर्ड में जितने वॉवल्स यूज हुए हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर सेट बना है रोस्टर फॉर्म। Now see the sixth point, what is given? Consonants used in the word madras, ठीक है। यहाँ पर देखिए, first of all you have to open the curly braces open, then you have to write the each consonant used in the word madras, ठीक है? In small letter में आपको लिखना है, देखिए, पहला consonant क्या है, M है, ठीक है? So write M small letter, then comma, then दूसरा consonant क्या है, D है, write small D, then comma, फिर देखिए R consonant, then small R, comma. Then S, small S, ठीक है, ये हो गया। These are the consonant used in the word madras, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये M, comma D, comma R, comma S, ये consonants हैं जो madras word में use हुए, ठीक है। और ये set किस form में लिखा? The set is written in roster form.